हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर इशप्रीत सिंह, आई एम अ कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट इन तुलसी हेल्थ केयर गुड़गांव। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करना चाहते। अक्सर कई बार पेशेंट्स अपने डॉक्टर के सामने भी इस प्रॉब्लम को बताने में शर्माते हैं, और जब स्पेशली डॉक्टर अपोजिट जेंडर का हो तो ये शर्माहट और बढ़ जाती है। सो आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज इनएबिलिटी टू अटेन और मेंटेन इरेक्शन, कि जब आपके लिंग में तनाव ना आए या आप उसको मेंटेन ना कर पाए, उसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। तो अगर हम उसके प्रेवलेंस की बात करें तो 40 ईयर्स से ज़्यादा के मेल्स में देखा गया है कि 10-20% मेल्स को ये प्रॉब्लम रहती है। 40-60 की एज में 15-20% लोगों को ये दिक्कत रहती है, एंड अबव 60-70 ईयर्स ये प्रॉब्लम 50% मेल्स में पाई गई। बट दिस ऑल्सो शोज कि 60 ईयर्स के ऊपर भी देर आर मैनी मेल्स हु आर इंटरेस्टेड इन द सेक्शुअल एक्टिविटी, बट बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स स्पेशली एज दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म इट। इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स होते हैं हमारा, जैसे सिडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, सम बैड हैबिट्स लाइक ड्रिंकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब चीज़ों की वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, जिसके बारे में आगे हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। बहुत स्टडीज़ में ये पाया गया है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज ऑल्सो अ प्रिडिक्टर ऑफ अ कार्डियक वेस्कुलर डिजीज़, कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो बहुत हद तक चांस है कि आपको दिल की बीमारी हो सकती है। अब अगर हम टाइप्स की बात करें, ये साइकोजेनिक हो सकता है, ये ऑर्गेनिक हो सकता है। ऑर्गेनिक मतलब इट कैन बी न्यूरोलॉजिकल, कि अगर आपके ब्रेन में या आपकी स्पाइनल कॉर्ड में कुछ डैमेज है तो उससे आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। हार्मोनल हो सकता है, कि अगर आपके हॉर्मोन्स जो हैं वो बैलेंस्ड नहीं है बॉडी में, उस वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है और सेक्स की इच्छा खत्म हो सकती है। फिर इसके अलावा बाकी बीमारियाँ जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सीजर डिसऑर्डर, थायराइड प्रॉब्लम्स, उन सब वजह से भी आपके लिंग के तनाव में फ़र्क पड़ सकता है। अगर हम साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात करें तो अगर आपके रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपके साथ किसी तरह का फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है रिलेशनशिप में, अगर आपके साथ कभी कोई चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, अगर कभी आपने किसी तरह का ट्रॉमेटिक सेक्सुअल एक्सपीरियंस करा है, अगर आपको सेक्स एजुकेशन के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं है, तो इन सब वजहों से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। अब अगर हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो इसका ट्रीटमेंट दो तरह से होता है, एक दवाइयों से और एक थेरेपी से। दवाइयों में हमारे पास कई ऑप्शंस हैं, सिलडेनाफिल, टेडालाफिल, मॉडेनाफिल, जो हम अलग अलग केसेस में अलग अलग पेशेंट्स में डिसाइड करके देते हैं कि किनको क्या सूटेबल है। बट इन दवाइयों के भी अपने कुछ मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिन्हें ध्यान में रखना ज़रूरी रहता है। तो इसीलिए सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन इज नेवर एडवाइज ऑफ दिस काइंड ऑफ ड्रग्स, जिनका स्पेशली आपके हार्ट पर किसी तरह का इम्पैक्ट। थेरेपी के बारे में अगर बात करें तो थेरेपी में सेंसेट फोकस, सेक्स थेरेपी, कपल थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी, ये सब चीज़ों से भी ये इश्यूज रिजॉल्व करे जाते हैं। तो अब आई होप कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में आपको एक उचित इन्फॉर्मेशन मिल गई है, और ये भी पता लग गया है कि शर्माने से ट्रीटमेंट नहीं होगा, बताने से ट्रीटमेंट हो, वो ट्रीटमेंट है। और इस दवाइयों पे, इन थेरेपीज पे बहुत स्टडीज़ करने के बाद ही ये ट्रीटमेंट लागू किए गए हैं जनरल पॉपुलेशन, एंड फॉर्चुनेटली यहाँ पे दोनों तरह के ट्रीटमेंट पॉसिबल हैं। अगर आपको मेडिसिन से चाहिए वो भी एक पॉसिबिलिटी है, थेरेपी चाहिए वो भी एक पॉसिबिलिटी है। आई होप इस वीडियो में आपको जानकारी मिल गई है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। और अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस एंड लेट अस नो। Thank you.